आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं वर्टिगो पर, जो हमारा फर्स्ट थ्योरी बेस्ड टॉपिक रहेगा। जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि 14 अक्टूबर से आप सभी के लिए 1 5 से 10 मिनट का थ्योरी बेस्ड डिसीज वाला जो टॉपिक रहेगा वो आपको बताया जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्टिगो। क्या है वर्टिगो? वर्टिगो होगा कैसे? और आप इस क्लास को यदि नर्सिंग वाले हैं, मेडिकल फार्मा कोई सी भी आप तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर जो मेडिसिन बताई जाएंगी या फिर आपको जो टेस्ट बताए जाएंगे ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करवाना है। ऐसा नहीं कि आपने ये क्लास देखी ओनली आपके नॉलेज पर्पस के लिए है, कि आपको कोई यदि पेशेंट आप डील करते हैं उससे, या फिर आपको एज ए नॉलेज के तौर पर जानना है कि वर्टिगो है क्या, तो उसके लिए है। इसको देख के आप किसी को भी ना तो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें और ना ही अपने से मेडिकेशन लें विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के परमिशन के। तो यहाँ पर वर्टिगो का मतलब होगा क्या, कैसे होगा, सभी चीज़ें आज हम आपके लिए पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है कि वर्टिगो है क्या। वर्टिगो को आप ये भी कह सकते हैं चक्कर आना। आप कभी कभी बैठे बैठे अचानक से खड़े भी होते हैं तो भी आपको लगता है कि आप घूम गए हैं, आंखों के सामने आपको धुंधलापन सा दिखने लगता है। यदि आप नॉर्मल हेल्दी हैं तब भी अचानक से बैठे हैं या लेटे हैं, अचानक से खड़े होते हैं तो आपको थोड़े से सिर में कुछ सेकंड्स के लिए लगेगा, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तब वो अलग तरीके का वर्टिगो होगा आपका, कि जो लेटने बैठने से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो वर्टिगो है क्या? इट्स अ सडन इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिनिंग सेंसेशन ऑफन ट्रिगर्ड बाय मूविंग योर हेड टू क्विकली। आप अचानक से अपना हेड घुमाते हैं, अचानक से बैठे हैं या खड़े हैं लेटे कुछ भी करते करते अचानक से जो हेड घुमा रहे हैं, आप अपना सिर घुमा रहे हैं, तो आपको या तो अंदर से लगेगा कि कुछ हिल गया है, एक्चुअल में कुछ हिला नहीं होता है, या आपको बाहर से लगेगा, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं, कभी कभी होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये सेंसेशन मतलब ये चीज़ें फील हो रही है कि आपका सिर है जो अचानक से घूम गया है, मूव हो गया है, लेकिन आप देख सामने ही रहे हैं, लेकिन तब भी आपको इंटरनली लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वर्टिगो इज नॉट अ डिसीज, इट इज़ लाइक अ सिम्टम्स। तो ये कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज़ ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर बीमारियों में जो लक्षण देखेंगे वो है। क्या है? कोई एक बीमारी नहीं है, एक टर्म है वर्टिगो। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो चक्कर के लिए भी आपको पूछेंगे कि आपको और क्या क्या हो रहा है। जब वो डायग्नोज करेंगे तो वर्टिगो को कोई डिसीज में कंसिडर नहीं करेंगे, इट्स लाइक अ सिम्टम। फिर यहाँ पर इन दिस कंडीशन पेशेंट फील्स लाइक मूविंग बट एक्चुअली ही इज़ नॉट मूविंग, ही इज स्टेइंग। मैंने जैसा आपको पहले कहा कि मरीज को लगने वाला है, कि मरीज जो यहाँ पर कोई भी पर्सन है उसको लगेगा कि वो क्या है, घूम रहा है, बट एक्चुअल में वो जहाँ खड़ा था वहीं पर है। वो कभी कभी कुछ मरीजों को ऐसा भी लगता है कि उनके चारों तरफ की वस्तुएं घूम रही हैं। आप बस में जब सफ़र करते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन की विंडो से झांक के आप एक बार ज़रूर देखना, आपको लगेगा आपकी ट्रेन तो आगे को जा रही, वो पेड़ है आपको लगेगा क्या घूम रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का वर्टिगो है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन इसके कुछ मेन रीजंस भी हैं, कुछ नॉर्मल रीजन भी हैं। किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो देख के नीचे चक्कर आने लगता है, किसी किसी को पानी से डर लगता है तो भी उसको पानी देख के चक्कर आने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बीमारी है, इट्स नॉट अ डिसीज़। स्टार्टिंग में ही कहा है कि इट्स नॉट अ डिसीज़, एक सिम्टम है जिसमें आप एक्चुअल में खड़े हैं बट आपको लगेगा कि आप घूम रहे हैं, आपका सिर घूम रहा। दूसरी चीज़, आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, लेकिन आपकी ट्रेन चल रही है, बाहर देखते हैं तो पेड़ लगेगा कि घूम रहे हैं, बाहर की जो भी चीज़ें वो आपको लगेगी कि घूम रही हैं। अब इसके मेन रीज़न क्या हो सकते हैं, मुख्य कारण? मैनर्स डिसीज़। क्या है? मैनर्स डिसीज़। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न कंसिडर किया जाता है वर्टिगो के लिए, चक्कर आने के लिए, कुछ नॉर्मल वे में भी होता है, और जो दूसरा है यहाँ पर वो होता है मेन कॉज। तो पहले हम पढ़ेंगे मेन कॉज एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक कॉज किन रीजन से और आपको चक्कर आ सकता है। कहा गया है मैनर्स डिसीज,
इट्स अ इनर ईयर डिसऑर्डर दैट कॉज एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब ही होता है स्पिनिंग। क्या हो रहा है? स्पिनिंग, आपको लगेगा कि सब कुछ घूम रहा है। क्या हो रहा है? ये एपिसोड्स है, मतलब यहाँ पर आपको बैक टू बैक क्या होंगे, चक्कर टाइप से आएंगे, तो ये कहलाएगा आपका क्या, वर्टिगो। और यहाँ पे आप इसको स्पिनिंग वर्ड भी है जो यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके की आपके सिर में आपको चक्कर तो आएंगे, आपको लगेगा कि कुछ है जो घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्पिनिंग। दूसरा है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है जो सबसे ज़्यादा मेन कारण कंसीडर, मेन रीज़न कंसीडर किया जाएगा, किसका, वर्टिगो का। यदि आपको, आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए कि यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि आपको डॉक्टर के पास गए, आप कहेंगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो कुछ इंटरनल रीजंस के कारण होंगे। और वर्टिगो आने का एक और रीज़न हो सकता है आपके इनर ईयर में प्रॉब्लम्स होना, क्योंकि जो आपकी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है, बॉडी का जो बैलेंस है वो सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करती है, बनाने का काम करती है, कोक्लियर पार्ट है जो आपका सुनने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपका जो वेस्टिवो कोक्लियर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिवो कोक्लियर पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तब भी वर्टिगो हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के कारण हो सकता है, कुछ मेडिसिन खाने के बाद भी आपको ड्राउजीनेस टाइप से लग सकता है, या फिर इस तरीके से लगेगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या है, मेन रीज़न है। फिर आते हैं बेसिक कॉज। बेसिक कॉज का मतलब नॉर्मली आप ऊंचाई पर खड़े हैं, आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आपका सिर घूम जाएगा, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप बस में बैठ के, किसी किसी को लगता है कि मुझे जी सा मचला रहा है, या फिर बस में बैठ के बाहर की तरफ देखने में लगेगा, या फिर फ्लाइट में ही बैठेंगे नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा चक्कर आ रहे हैं। जो लोग झूले में झूलते हैं, झूले में झूलने से भी आपको वर्टिगो टाइप से फील हो सकता है। तेज़ आवाज़ें, तेज़ आवाज़ों का मतलब लाउड साउंड। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, पहले जब टिकटॉक चलता था, कि डीजे के सामने डांस करते करते अचानक से कोई चक्कर खा के गिर गया, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। माइग्रेन के कारण जो एक हेडेक होता है उसमें भी लेबिरिंथाइटिस, क्या है, लेबिरिंथाइटिस भी इसका रीज़न है जो हो सकता है। तो जो लेबिरिंथ भी क्या है, कान का ही पार्ट है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर नर्व, नर्व जो आपके सुनने में हेल्प करती हैं, यदि उसी पार्ट में आपके इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपको हो सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी के कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सीधी सी बात, चक्कर आएंगे तो आपको खड़े खड़े गिरने जैसा फील होगा, तो आपका बैलेंस डिस्टर्ब होगा, कान में घंटियाँ बजेंगी, उन घंटियों को कहा जाता है टिनिटस, वॉमिटिंग भी हो जाती है कभी कभी, सिरदर्द होगा, आँखों के सामने आपको अचानक से धुंधला दिखाई देने लगेगा, चक्कर आएंगे, डबल विज़न मतलब दोहरी दृष्टि भी हो सकती है, एक चीज़ें दो बार है जो दिख रही हैं। ये चीज़ें आपके साथ, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस क्लास को देख रहा हो कि उनके साथ नॉर्मल वर्टिगो वाली समस्या ना हुई हो, सबके साथ है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पे लक्षण है इसके, कि जब भी आपको चक्कर टाइप से आएंगे, आप बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होगा, कान में घंटियाँ सी बजेंगी, उल्टी हो जाती है, किसी किसी को सिरदर्द होने लगता है, कभी कभी आँखों से आपको ना चाहते हुए भी आपको कहते हैं कि आंखें फड़फड़ा रही हैं, उस तरीके से होना, आपको डिजीनेस फील होना, डबल विज़न दिखाई देना। अब यहाँ पर आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे। पहली चीज़ है कि यदि आपको इतनी सारी चीज़ें होंगे, इनकी रीज़न ये हैं, फिर आप मान लीजिए डॉक्टर के पास एक बार गए, दो बार गए, फिर वो आपके टेस्ट भी करेगा, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन है आप इसका ट्रीटमेंट है जो किया जाता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक बीमारी, जैसे टीबी की भी दवाई हो गई, एचआईवी की हो गई, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन है, और जो सिम्टम्स है वर्टिगो के साथ में, आपको उल्टी हो रही हैं तो वॉमिटिंग के लिए दवा दे देंगे, आपको जी मचला रहा है उसके लिए दे देंगे, कान में दर्द है तो ईयर ड्रॉप्स दे के ठीक किया जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक और एडवांस चीज़ें भी होंगी। तो डायग्नोस्टिक मेथड में हम बात करें तो फुकुड़ा उटनबर्गर टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है, रोमबर्ग टेस्ट किया जाता है, हेड इम्पल्स चेक किया जाता है। हेड इम्पल्स का मतलब सिर को घुमा के देखा जाता है, इतनी बार घुमाने से आपको वर्टिगो वाला सेंसेशन हुआ है या नहीं। फिर यहाँ पर आपका इलाज कैसे करेंगे, वर्टिगो हो गया इलाज कैसे करेंगे। तो इलाज में बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंटीकोलिनार्जिक एजेंट दिए जाते हैं और एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स दिए जाते हैं, मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं, एंटीकोलिनार्जिक और एंटीहिस्टामिनिक एजेंट।
अब जो मेडिसिन है यहाँ पर वो है बीटा हिस्टीन। क्या है? बीटा हिस्टीन दी जाएगी। इट इज़ यूज व्हेन पेशेंट फील रिंगिंग इन ईयर एंड वर्टिगो। कान में जब आपको टिनिटस होगा, जिसको क्या कहा गया है, रिंगिंग इन द ईयर, मतलब टिनिटस हो रहा है आपको, कानों में घंटियाँ सी सुनाई दे रही हैं और चक्कर आए, तब बीटा हिस्टीन है जो दी जाएगी। एक गोली दिन में दो बार आपको खाने के लिए कहा जाएगा। जो डोज होगा 8 mg/d होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गोली दिन में दो बार खाने के लिए कहा जाएगा। फिर प्रोमेथाजिन, प्रोमेथाजिन उन लोगों के लिए कही दी जाएगी जिनको मोशन सिकनेस हो या वॉमिटिंग हो। मतलब जैसे आप कार में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को कार में या बंद कमरे में घुसा दो तो उनको उल्टियाँ टाइप से फील होंगी, कभी कभी उल्टी हो भी जाती, तब उनको दी जाती है प्रोमेथाजिन। क्या दिया जाता है? प्रोमेथाजिन दिया जाएगा 10 mg/d दिन में दो बार, 10 mg/d दिन में दो बार। नेक्स्ट आती है आपकी सिनारिजिन। सिनारिजिन यूज़ की जाती है यहाँ पर जब पर्सन को वर्टिकल्स जनरली ट्रैवलिंग में हो रहे हैं, जब आप सफ़र करते हैं, जब आपको चक्कर आएंगे तब। तो यदि नॉर्मली है तो 25 mg/d एक गोली सुबह शाम खाएंगे आप। यदि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको चक्कर आ रहे हैं तो 25 mg की दो गोली एक साथ ले लेना है, बट एक गोली आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है। फिर है प्रोक्लोरपैराजिन। प्रोक्लोरपैराजिन है तो यहाँ पर जब आपको सीवियर वॉमिटिंग होने लगती है, नौजिया होने लगे, वो भी वर्टिगो के कारण। यदि मरीज को अचानक कहीं पे जाने में भी कभी भी उल्टियाँ होने लगती हैं, जी घबराए उसका, तब उसको मेडिसिन है जो दी जाएगी 5 mg/d दिन में दो बार एक गोली लेने के लिए कहा जाएगा। फिर यदि आपका इन मेडिसिन से भी बीटा हिस्टीन, प्रोमेथाजिन, सिनारिजिन, प्रोक्लोरपैराजिन से ठीक नहीं होते हैं आप, तब यहाँ पर एक और मेथड अपनाई जाती है, उसको कहा जाता है क्या, कैनालिस रिपोजिशनिंग और एप्ले मैन्यूवर। ये मैन्यूवर तब यूज़ किया जाता है जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है वहाँ पर कुछ क्रिस्टल या फिर फ्लूड है जो बिल्डअप हो जाए, तो उसको बाहर निकालने के लिए एक तरीके से मैन्यूवर अपनाया जाएगा। मैन्यूवर का मतलब है कि मूव किया जाएगा कोई भी आइटम यदि, तो वहाँ पर यदि कुछ क्रिस्टल्स हैं फ्लूड फिल्ड एरिया में सेमी सर्कुलर कैनाल में, तो उसको बाहर निकालने के लिए मैन्यूवर अपनाया जाएगा। अब इसमें देखिए इस तरीके से किया जाएगा आपको, ये यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो बीच बीच में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कुछ फ्लूड फील्ड है या फिर क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम के बने हो सकते हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए किया जाएगा। आपको बैठाया जाएगा, अपनी आंखें खुली रखकर बैठना है आपको, और 45 डिग्री दाहिनी ओर है जो मुड़ जाना है, 45 डिग्री है जो आपको मुड़ जाना है, नीचे की तरफ सिर करना है। फिर अपने सिर लटकाकर जल्दी से अपनी पीठ के बल लेट जाएं। देन आफ्टर यू वुड लाई ऑन योर बैक क्विकली विथ योर हेड हैंगिंग ऑफ द एंड ऑफ द टेबल। नेक्स्ट आपको करना है कि आपका डॉक्टर आपको क्या कहेगा, 90 डिग्री बाईं ओर घुमाता है, लगभग 30 सेकंड के लिए सेम एज उसी पोजीशन में रखेगा। देन आफ्टर आपके हेड को दोबारा से 90 डिग्री पे घुमाएगा और उस हेड को आपके लेफ्ट साइड रखेगा 30 सेकंड के लिए। फिर आपको कहा जाएगा कि यू सिट अप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एग्जाम टेबल, एंड देन आपका जो प्रोसीजर है ये बार बार रिपीट किया जाएगा, और हो सकता है इसके रिपीट करने से क्रिस्टल है जो फ्लूड है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। देखिए इस तरीके से किया जाएगा कि आपको पहले बिठाया जाएगा, फिर आपको लिटाया जाएगा, नीचे की तरफ सिर किया जाएगा, आपको 30 सेकंड के लिए एक साइड सिर किया जाएगा, फिर दूसरे साइड सिर किया जाएगा। देन आफ्टर आपको है जो वापस से प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा। ये प्रोसीजर कहलाता है क्या, एप्ले मैन्यूवर। ये यूज़ जब किया जाता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल वाली जो कैनाल है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स हो या फिर कुछ कैल्शियम के कण हो, फ्लूड हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये है जो एक मेन रीज़न के तौर पर वर्टिगो का कारण भी बन सकता है। आई होप आपको वर्टिगो टॉपिक अच्छा लगा हो, और यदि आपको इसी तरीके से शॉर्ट्स टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना, मैं डेली आपको 10 से 15 मिनट की एक इस तरीके की क्लास लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।